पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, और मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। उसी को चरितार्थ करते हुए रामगढ़ छावनी परिषद द्वारा संचालित उम्मीद विशेष विद्यालय के दिव्यांग बच्चों ने अपने हाथों से काफी आकर्षक दिवाली के दिए और गुल्लक का निर्माण किया, और आज रामगढ़ के छावनी परिषद के हृदय स्थली सुभाष चौक पर एक विशेष हस्तकला व कलाकृति का प्रदर्शन के लिए स्टॉल लगाया। तो फिर आइए हम सब मिलकर इस उम्मीद के दिए को जलाएं और विशेष बच्चों के मनोबल को बढ़ाएं। इसी स्लोगन के साथ उम्मीद विशेष विद्यालय छावनी परिषद रामगढ़ के दिव्यांग बच्चों के द्वारा अपने हाथों से निर्मित विशेष दिवाली के दिए और गुल्लक का प्रदर्शनी सह स्टॉल लगाया गया। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के सौजन्य से रामगढ़ शहर के हृदय स्थली सुभाष चौक पर आयोजित इस प्रदर्शनी कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन रामगढ़ छावनी परिषद के उपाध्यक्ष श्री अनमोल सिंह, रामगढ़ के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुधीर आर्या, महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतावना सरन, उम्मीद स्कूल की शिक्षिका विजय लक्ष्मी सहित कई गण्यमान्य लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। उसके बाद विशेष बच्चों द्वारा निर्मित हस्तकला कलाकृति की प्रदर्शनी प्रारंभ की गई। इस दरमियान वहां पर विशेष बच्चों द्वारा निर्मित दिवाली के दिए और गुल्लक काफी आकर्षक नजर आ रहे थे, जिसे वहां से गुजरने वाले लोगों ने खरीदा। इस मौके पर मौजूद छावनी परिषद के उपाध्यक्ष श्री अनमोल सिंह ने बताया कि ये क्षण छावनी परिषद द्वारा संचालित विशेष विद्यालय उम्मीद के बच्चों के हौसला अफजाई का है। जब इन विशेष बच्चों द्वारा निर्मित दिए को लोग खरीदते हैं और उनकी सराहना करते हैं तो इन बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है। आज छावनी परिषद द्वारा संचालित उम्मीद विशेष विद्यालय के द्वारा के बच्चों के द्वारा यहां पर दिवाली के अवसर पर दिए और भी जो सामग्री है उसको खुद से उन्होंने मेहनत करके बनाया है और उसका प्रदर्शनी हम लोगों ने यहाँ लगाया है। ये कार्यक्रम पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर हो रहा है और रामगढ़ की जनता को उम्मीद रहती है कि वे यहाँ पर आकर के सामान को खरीदते भी हैं, और इससे जो बच्चे हमारे विशेष विद्यालय के हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम हम लोग करते हैं। समाज के अभिन्न दिव्यांग बच्चों के लिए हमें अपना विशेष समय निकालना चाहिए और इनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। इसी के तहत आज उम्मीद स्कूल के विशेष बच्चों द्वारा बनाए गए दीपावली के दिए और गुल्लक का स्टॉल लगाया गया, जिसमें उनके कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं उन्हें आर्थिक सहयोग भी मिल पाता है। यह बातें वहां पर मौजूद प्रसिद्ध महिला चिकित्सक सांत्वना सोरन ने कही। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि उम्मीद स्कूल के विशेष बच्चों के द्वारा बनाए गए इस उम्मीद के दिए को अपने घर में जलाएं और सुख समृद्धि सुकून पाएं। हम लोग उम्मीद स्कूल के बच्चों से हमने कुछ दिए बनवाए हैं और हम चाहते हैं कि रामगढ़ के लोग इन दियों को ले जाएं अपने घर में और अपने अपने घरों में उम्मीद के दिए जलाएं। ये हमारे बच्चे जो हैं इन दियों से बहुत खुश हैं, इनको बनाने में हम लोग सबने सहयोग किया है और आज हम इसे यहाँ पे लाके लोगों को दे रहे हैं बहुत लो कॉस्ट में, और बच्चों का इसमें बहुत उत्साह है। बनाते समय और बेचते समय आप देख सकते हैं बच्चे कितने खुश हैं, और ये दिव्यांग बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि ये हमेशा खुश रहें, इनको हम प्रमोट करें और ये खुशी आप ला सकते हैं इनके जीवन में। उम्मीद स्कूल के विशेष बच्चों के हौसला अफजाई करने के उद्देश्य से लगाए गए इस स्टॉल पर मौजूद स्कूल की शिक्षिका श्रीमती विजया लक्ष्मी ने बताया, विशेष बच्चों के द्वारा यह साबित कर दिया गया है कि यह बच्चे किसी से कम नहीं, और आप खुद देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत और आकर्षक रंग बिरंगे दिवाली के दिए और गुल्लक इन बच्चों के द्वारा अपने हाथों से बनाए गए हैं, जो बयां करते हैं कि यह बच्चे किसी से कम नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि आप भी ऐसे बच्चों के हौसले को बढ़ाने के लिए जब भी ऐसे कार्यक्रम हो तो बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आज उम्मीद स्कूल विशेष विद्यालय के बच्चे यहाँ पर दिवाली के अवसर पर स्टॉल लगा रहे हैं, रंग बिरंगे दिए पेंटिंग किए हैं, ब्लड पेंट किए हैं, क्लस किए हैं, पब्लिक लोग के बीच में अपना दिखला रहे हैं कला कि हम भी दिव्यांग लोग किसी से कम नहीं है, सम्मान जिंदगी जीत सकते हैं। आपने इस नेक काम के आयोजक को सुना, इनके हौसले को बढ़ाने वाले स्कूल के शिक्षिकाओं को सुना, वहाँ मौजूद इनके मनोबल को बढ़ाने वाले शहर के कई प्रतिष्ठित गण्यमान लोगों को सुना। अब आप सुने इन बच्चों की जुबानी क्या कहते हैं ये। आप इनके चेहरे की खुशी को देखें कि ये किस प्रकार से कैमरे पर मीडिया कर्मी को बताते हुए खिलखिलाते हुए कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? खुद से बनाए हैं? कितने में बेचते हैं? पूरा सेट का 70 रुपया। हम लोग अपने से रंग बिरंगी
बच्चे से कम नहीं है। आज का यह कार्यक्रम जहां दिव्यांग बच्चों के हौसलों को दिखाता है कि कैसे यह बच्चे अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए खुद इतने खूबसूरत दीपावली के दिए और गुल्लक बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर यह प्रदर्शनी आप लोगों से भी एक अपील का जरिया है कि आप भी इस प्रकार के कार्यक्रम में अपनी 100% भागीदारी को सुनिश्चित कराएं, ताकि ऐसे विशेष बच्चों के मनोबल को बढ़ाया जा सके और वह समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए एक जायज मुकाम को पा सके। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है